बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर ईडी की रेड चल रही है। समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। करीब 9 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइन्स इलाके स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आज सुबह से ही सर्च जारी है। उनसे जुड़े 9 परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और अभी अधिक जानकारी आने का इंतजार है। करीब 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइन्स इलाके पर पहुंची है ईडी की टीम, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और करीब उनके 9 परिसरों पर छाई इस वक्त चल रही है। सुबह से ही ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ईडी जो है इस वक्त मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर है, जहां पर सिविल लाइन्स इलाके स्थित आवास पर है, जहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ हैं। बलराम, देखिए दिल्ली के एक और मंत्री राजकुमार के यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उनके 9 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी मिली कि जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनके आवास पर ईडी पहुंची हुई है और इस वक्त करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि ये छापेमारी क्यों हो रही है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की टीम राजकुमार आनंद के यहाँ पहुँची है तो किस मामले में पहुंची है, किस मामले को लेकर के ईडी उनके आवास पर पहुंची है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो ईडी की जो टीम है वो सिविल लाइन स्थित जो आनंद राजकुमार आनंद का सरकारी आवास है वहां पर मौजूद है और इस वक्त राजकुमार आनंद से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि जिससे ये कहा जाए कि ईडी की जो टीम है किस मामले में पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ईडी की टीम छापेमारी कर रही है उसके पीछे क्या मकसद है और किस लिए और किस मामले पर ईडी की टीम राजकुमार आनंद के आवास पर पहुंची है। जी बिल्कुल बलराम भाई, अगर बात करें तो आज का जो दिन है वो दिल्ली सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक तरफ तो ईडी के सामने पेशी है और उसके अलावा अब एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कैसे आम आदमी पार्टी इन सब से आज अपने सामना करेगी? बिल्कुल, देखिए एक तरफ ईडी ने समन भेज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ही कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है एक साथ और ईडी की टीम इस वक्त राजकुमार आनंद के आवास पर मौजूद है और उनसे पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन स्थित उनका जो सरकारी आवास है वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुँची हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि राजकुमार आनंद अपने सरकारी आवास पर ही थे जिस वक्त ईडी की टीम पहुंची है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ईडी की तरफ से कि किस मामले में ये छापेमारी की जा रही है, और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी की टीम राजकुमार आनंद के घर क्यों पहुँची और किस मामले पर ये छापेमारी चल रही है। जी ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।